अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। भाई साहब, इस लड़की को आपने देखा है दुल्हन के लिबास में? मैडम आप इतना घबराए हुए क्यों? ये तो वही दुपट्टे वाली मैडम है। मतलब इन्हें देखा है आपने? हाँ, ये जो फोटो में मैडम है ना, ये भागती हुई यहाँ पर आई थी और मेरे ठेले से टकरा गई और उनका तो दुपट्टा भी गिर गया था। ये रहा, बेचारी बहुत घबराई हुई थी, पता नहीं किस विद्या में होंगी। ये दुपट्टा, ये कहाँ गए? वो उधर जाते हुए देखा था मैंने। आपकी दुआ बिखर गई है दादी अम्मी। जो लोग मेरी पहचान ही चूमते थे, आज वो मेरी सूरत भी देखना नहीं चाहते। मम्मी, अबू, कोई मेरी बात पे यकीन नहीं कर रहा है, कोई भी नहीं। दादी मैं बर्बाद हो गई, दादी अम्मी मैं बर्बाद हो गई। गजल ने चुका था, उसने कर दिखाया। मैं तेरे खानदान से अपने अम्मी और अब्बू की मौत का बदला ले रही हूँ। तू तो क्या, कोई भी मेरे इरादों के बीच में नहीं आ सकता। उसने सबको मुझसे छीन लिया है, सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, सारी तरकीबें नाकाम हो चुकी हैं। बस आप ही मेरा सहारा है, एक आप ही है जिसकी गवाही पर कोई उंगली नहीं उठा सकता, एक आप ही है जो मुझे मेरा खोया हुआ मुकाम दिला सकती है। दादी अम्मी, अपनी दुआ के लिए हिम्मत कीजिए और उठिए। उठिए दादी अम्मी, और गजल के इरादे सबको बता दीजिए। अपनी दुआ के लिए उठिए, हिम्मत कीजिए दादी अम्मी। यहाँ से भागकर गजल ने अपनी अगली चाल चल दी है, अब खुदा ही जानता है कि उसका अगला कदम क्या है। थैंक यू। उसे रोकना होगा दादी अम्मी। आप उठिए और बता दीजिए सबको कि कौन गलत है, गजल या मैं। सबको बता दीजिए कि गजल ने आपके साथ क्या किया था, और ये भी बता दीजिए कि वो इस घर को बर्बाद करना चाहती है, तबाह करना चाहती है। सबको बता दीजिए, खुदा का वास्ता आपको उठिए। आप अपनी दुआ के साथ है ना? कोशिश कीजिए। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।